क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है और फिर अपन इसे कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपके पास दो वेक्टर है जिसमें एक वेक्टर आपके पास ए है, दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए, और एक अनदर वेक्टर आपके पास है बी वेक्टर. क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया है वो स्टेटमेंट ये है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. इट मींस इन दोनों वेक्टर का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है. क्वेश्चन में जो सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है वो ये है कि दोनों वेक्टर्स के बिटवीन का जो एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री है. एक ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. और दूसरा उसने ये बोला है कि अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू 1/2 के बराबर है. और अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी. क्योंकि ये दोनों सेम है तो कोई भी एक भी अगर हम लोग निकाल लेंगे तो फाइनली हमें दोनों की वैल्यू पता लग जाएगी. अब हम लोग ये जानते हैं कि इनकेस अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करूं तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये दे रखा है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के बराबर है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर. रीजन, बिकॉज मॉड ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ ए. और क्वेश्चन में जो थीटा है वो आपके पास है 60 डिग्री, मतलब ये बन जाता है कॉस 60. और क्वेश्चन में ये जो डाटा आपको दे रखा है, ये डाटा आपको दे रखा है 1/2 के इक्वल. मीन्स अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा ए वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60. कॉस 60 की अगर अपन बात करें तो ये डाटा 1/2 के बराबर होता है और राइट साइड में भी ये डाटा 1/2 है. यहां से आप 1/2 से 1/2 कैंसिल कर सकते हैं और आपको ये रिजल्ट मिल गया है कि ए वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो फाइनली वी कैन कमेंट दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर तो नहीं हो सकता. जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. तो फिर से आप एक और कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ बी वेक्टर के, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.